हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कैनेडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है संडे एंड राइट नाउ टाइम इज़ सवाइक का टाइम हो रहा है और काम सारे डन हो गए हैं। सो मैंने ना लंच के लिए सब्जी भी बना दी है। सुबह सारे काम डन हो गए थे, क्लीनिंग वगैरह। कल डीप क्लीनिंग की थी तो आज ईजी हो गया, जल्दी जल्दी से सारा कुछ हो गया। बट हाँ, फिर भी एक बार मैंने सब जस्टिंग सब कुछ किया तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, पर कल के जितना नहीं। एंड और अभी मैं इतनी थकावट हो रही है क्योंकि आज अनायक हेड वॉश करने थे। फिर मतलब तंग करती है थोड़ा सा। अब सुबह कहती मुझे नहीं नहाना, मैंने उसको टाइम दिया, मैंने आरव को बोला तुम नहा लो, नहीं तो मतलब मुझे तो सबसे एंड में नहाना होता है क्योंकि मुझे सारे काम करने होते हैं। बट अभी ये नहा लिए मैंने, बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने कहा कोई ना छुट्टी है फिर क्यों इनको मैंने परेशान करना है ना। तो बस अभी सारा घर चमचमा रहा है। बट आज शर्मा जी बाहर की क्लीनिंग कर रहे हैं एंड उन्होंने ग्रास कट किया, अभी चल ही रहा है, कर ही रहे हैं क्योंकि बैकयार्ड इज बिग, लाइक इतनी जल्दी तो नहीं होगा, है ना। सो घर सारा अरेंज है। सो ये है आरव। हाय आरव, आज सारे अच्छे बन गए हैं। बस शर्मा जी अभी क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो बाद में नहा लेंगे। घर सब अब चमचमा रहा है। हमारे प्लांट्स ये हैं, इनको देख के मेरा मन खुश हो जाता है। एंड ये बैग मैंने रख दिए हैं क्योंकि वो गुलाब के जो बुके था वो उनकी पत्तियाँ अभी ड्राई हो गई थी तो फिर शर्मा जी ने वो निकाल दी। सो मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे रख दिया। डिशेस वगैरह मैंने कर दी। ये मसाला दानी है, ये मैंने अच्छे से धो के यहाँ पे सूखने रखी है। और ये मैंने सभी मसाले यहाँ पे रखे हैं। नमक थोड़ा ख़त्म हो रहा था उसको डाल दिया। एंड ये सभी मैंने क्लिक कर दिए हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी 1:18 हो गए हैं, मैंने 1:15 पे शुरू किया था। और ये मैंने बनाई है मिक्स वेज की सब्जी। अभी मन कर रहा है बनाना खा लूँ, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है मुझे हद से ज़्यादा। 2 दिनों में अपने थका लेती हूँ पूरा, काम करके करके इतना काम। अभी ये लॉन्ड्री के लिए कपड़े हो गए हैं पर थोड़ी देर में करूँगी जब शर्मा जी नहा लेंगे। और आज अच्छी धूप निकली है, आज का टेम्परेचर है 9। बाहर ही है, शर्मा जी कर रहे हैं ग्रास की कटिंग। ऑलमोस्ट हो ही गया है सारा अभी तो। दैट इज सो लाउड। हाँ बेटा, फिर वो तो लाउड ही होगा ना अनाया। हाँ क्या क्या कह रहे हो? पापा सो लाउड? पापा लाउड नहीं है, मशीन लाउड है। आज बड़ी टाइम के बाद धूप निकली है और छुट्टी वाले दिन मतलब मैंने सारे टॉवल ना बाहर रख दिए हैं ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए इनको। अभी सोच रही तार बांध लूँ यहाँ पर, छुट्टी वाले दिन धूप लगवा दिया करूँगी। चलती हूँ अंदर, एक मन है चाय पी लूँ, समझ नहीं आ रहा। आराम, मम्मा को चाय बना दोगे? थकावट हो रही है बहुत काम कर करके ना। और आरव बहुत अच्छी चाय बनाता है, मुझे आरव के हाथ की चाय बहुत पसंद है ना आरव? और मैं ये वैसे ही नहीं बोल रही, सच में बनाता है बहुत अच्छी चाय। मुझे शर्मा जी के हाथ की इतनी अच्छी नहीं लगती, हालांकि वो भी अच्छी बनाते हैं बट आरव तो ऑसम, बहुत अच्छी चाय बनाता है। क्या हो गया? What happened? क्या फ्रंट यार्ड पे करोगे अभी? इट्स फाइन, 5 मिनट लगेंगे। ये क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, ग्रास कट करने के लिए। प्लीज आरव बना दो चाय, मम्मा बहुत थकी हुई है। मैं यहाँ से खोलती हूँ। अनाया आ गई है फ्रंट पे। थैंक गॉड हमारे फ्रंट यार्ड पे कोई डैंडी लायन नहीं है। बनाया, एंजॉय करेगी अनाया। पहले पापा को ग्रास कट करने दो फिर और एंजॉय करना। यहाँ से भी सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मैं अभी नहीं करूंगी, मैंने तो नहा लिया है। शर्मा जी करना होगा तब कर लेंगे।
अब ये सारा क्लीन करना पड़ेगा। धूप में आके अच्छा लगता है बहुत। और ये वाला एरिया हमें डेकोरेट करना पड़ेगा। ये लाइट्स तो हमने लगा दी थी, ये रात को खुद से जल जाती हैं, बट ये वाला एरिया हमें सजाना होगा। अनाया वहाँ नहीं जाना, डैंडी लायन लेने गई है। डैंडी लायन फ्लावर फॉर मी, थैंक यू अनाया, मेला बच्चा। मेरी गाड़ी है वो। मैं करूँ एक लाइन, एक बार मैं करके देखूँ। ग्रास कट कर रहे हैं। हेलो पापा, अंदर आ गए हैं। अब मुझे बनाने हैं शर्मा जी के लिए फुलके। नालंदे और बस बाहर खाती रहती है। आरव ने मेरी चाय बना दी है, थैंक्स आरव। ये मैंने तवा रख दिया है, कम कर देती हूँ मैं, 2 मिनट में चाय पीती हूँ। अभी मैं बैठती हूँ, सिर दुखने लग गया मेरा। मैं लगातार काम करी जा रही हूँ। सोचती हूँ अब बैठूंगी, फिर बैठती नहीं हूँ। सिर दुखना शुरू हो गया मेरा, क्योंकि ना वो जो मशीन सी है, वो ग्रास कटिंग वाली, वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है ना, वो करते करते मेरा सिर दर्द होने लग गया। सारा कर दिया मैंने, मतलब मैंने शर्मा जी से जब लिया उसके बाद मैंने सारा कंप्लीट किया। मुझे ये था कि ये भी तो थक जाएंगे है ना, बैकयार्ड में किया है, बैकयार्ड तो यहाँ से भी बड़ा है, तो फिर कहते तुम थक जाओगी। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मतलब थकी तो मैं हुई हूँ, पर फिर भी मैंने कर दिया। सो नेहा जी खाना बना रहे हैं मेरे लिए लंच, तो मैं वेट कर रहा हूँ। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है नेहा जी। हमारे घर की सब नुएं अच्छा बनाती हैं, दे आर बेस्ट इन कुकिंग, यू नो। देखो रोटी अपने आप फूल जाती है, इसको पता नेहा जी ने बनाया है तो रोटी ने फूलना तो नहीं तो डर जाएगी। खाना पीना हमारा हो गया है डन, एंड अनाया सो गई है। सुबह से बच्चे ना जैसे लगते हैं काम भी करवाते हैं मेरे साथ एक्चुअली, पर आज तो कुछ नहीं था इतना। अभी मैं टीवी बंद कर देती हूँ। एंड यू नो हमने तो अपनी ग्रास कट कर ली है, हमसे मोटिवेट होकर आई थिंक हमारे जो नेबर हैं, जो साथ वाले लेफ्ट साइड वाले, वो भी कर रहे हैं ग्रास कट। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इन्होंने भी ऑलमोस्ट कर ही ली है। ये बंदा ना अकेला रहता है घर में, पता नहीं कैसे रहता है। ऐसे ही ना एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे को देख के बंदा शुरू कर देता है। और छुट्टी का फ़ायदा तो हर कोई उठाता है। तो अभी ना शर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि चलो बच्चे लाइक अनाया सो रही है, कुछ काम करना है तो चलते हैं। मैंने कहा बस बाबा अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ।
पता नहीं मेरे फेस ना रेड रेड हो गया है, गर्मी निकल रही है फेस में से। और एक मन कर रहा है चली जाती हूँ उनके साथ, जो काम रहते हैं वो हो जाएंगे। एक मन कर रहा है थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है इतने काम कर कर के ना, हालत ख़राब हो जाती है, फ्रिज खुला रह जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई हूँ एंड अभी अमन भी आ गई है। ये देखिए धूप हमारी किचन तक आ रही है। सो चलिए मिलते हैं हम अमन से। हेलो अमन। हाय। अभी अमन आई है थोड़ी देर पहले। क्या बना रही हो? पनीर। ओके बनाओ बनाओ पनीर। सो अमन बनाएगी अभी पनीर। मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना लूँ, पर एसिडिटी का चक्कर पड़ रहा है, अब क्या करूँ। शाम की चाय पीने की आदत है तो बना ही लेती हूँ। हाँ हाँ पी लेते हैं। उठाते हैं पैन, करते हैं गैस ऑन। पानी मैंने डाल दिया है इसमें। अभी लेते हैं पत्ती, ये है चाय पत्ती। एंड आप देख रहे होंगे इसमें आपको कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है। मैंने ये स्पेशल पत्ती तैयार की है अपने लिए, बहुत हेल्दी वाली है, तो ये डालूंगी मैं। अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो फिर आंसर करूँगी। पापा लेके आया नाया को, तंग कर रही, चीखे मारी जा रही है। तो अमन यहाँ पे प्याज नहीं प्याज कट कर रही है। वो लड़की अभी थक के आई है, उसको ऐसे तो नहीं कि पूछ लो कि अमन क्या खाना है। शर्मा जी को ना बस यही होता है कि हाँ कोई खाना बना रहे, क्या बना रहे हो, क्या बनना है, परांठे बनने हैं, ये बनना है, वो बनना है। 6:38 का टाइम हो रहा है। सही है सही है। ठीक है, गंदा पानी निकल जाता है आंखों से। ये दोनों बच्चे पापा की जान खा रहे हैं। मैंने ना अभी अभी अनाया के ना तेल लगाकर इसकी ब्रेड की है। ये है मंकी जो आरम ने बनाया था। चाय मेरी बॉयल हो रही है, अच्छे से बॉयल होगी तो ही मैं इसमें दूध डालूंगी। नाया खाना खा रहे हो आप? क्योंकि इस बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, है ना नाया? या चूहे दौड़ रहे हैं, रंबल हो रहा है ना टमी है नाया का। यस, ये बच्चे तब खाते हैं जब बिल्कुल ही हालत खराब। और ये है मेरी चाय, आप सभी भी आ जाइए चाय पी लीजिए। एंड अमन बना रही है भुर्जी, भुर्जी पनीर, पनीर की भुर्जी। यस, ये है पनीर। या बिकॉज यहाँ पे चीज बड़े हार्ड होते हैं, इंडिया के जैसे नहीं होते हैं। एंड ये इसने तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया। अमन की रेसिपी दिखाते हैं आज। चलिए जी, अमन अब डाल रही है ग्रीन चिली एंड अनियन। गुड जॉब, यही स्पिरिट होनी चाहिए। अच्छी लगती है मुझे कुकिंग। यू नो हमें रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा खाती हूँ ऐसा ही बनाऊंगी, तो सबके टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। गुड जॉब। शर्मा जी कौन सी मूवी चलाने वाले हो? या आफ्टर यू डन यू कैन वॉच योर मूवी। अब इसको कितना अच्छा कलर है। इसको चला लेते हैं। इस लड़के को ध्यान से देखिए, ये खाना नहीं खाता। मैं सो रही थी तो इसने क्या खाया बताओ? 10 बियर पॉज। OMG, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। खाना ही खाना, बाकी जो मर्जी। हाँ सही बात है। तो अमन अब डाल रही है इसमें काला नमक और काली मिर्च डाली है एंड अभी वाइट सॉल्ट डाल रही है स्वाद अनुसार। मेरे से तो हमेशा कम पड़ जाता है, बाद में और डालना पड़ता है। नहीं ठीक है, कम ही खाना चाहिए। सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टू मच मींस। ये वाइट है, ये वाइट से येलो हो जाएगा। या
हल्दी की वजह से, हल्दी इस पे भी हल्दी का रंग चढ़ जाएगा। हाँ बेटा, मिक्स मिक्स मिक्स। मैं ना दूध भी डालती हूँ इसमें थोड़ा सा, दैट्स न्यू थिंग फॉर मी। देखते हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, इसका टेक्सचर ऐसे है। हाँ। तो फिर जब अमन दूध डालेगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको मीडियम पे रखना है डालने के बाद। ओके, मीडियम पे ही रखा हुआ है तो या अंदाजे से ही डालती हूँ मैं दूध। ओके या ओके नाइस। खाने में भी अच्छा लगेगा। गिली गिली तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं। सो बस अब थोड़ी देर में हमारी भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आ जाइए सभी, अमन के हाथ का खाना खाने के लिए रेडी हो जाइए। और अमन की फ्रॉक दिखानी है मुझे आपको, ये ओके ये मेरी फेवरेट है, हर हर एक चीज में डालती हूँ मैं। ओह नाइस। अच्छा मैं आपको अमन की फ्रॉक दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूर हो जाओ अमन। हाँ फुल लुक देखनी है। यस सुंदर, सही है, सुंदर है। अमन पूरी मॉडल के जैसी लगती है, पतली स्लिम ट्रिम। हम तो लोग फूल फूल के पता नहीं क्या बने हुए हैं। सो आप भी ये सीजनिंग यूज़ कर सकते हो, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। और मैं चाय के साथ ये जीरा बिस्किट खाऊंगी दो चार, क्योंकि खाली चाय तो अच्छी नहीं होती। आ जाइए आप सभी भी जीरा बिस्किट खा लीजिए। फूड लेके यहाँ पे आ गई हो, हाथ में परांठी लेके। यू नीड वाटर। ये है मेरी चाय। हाँ जी चलिए जी, मैं अभी पीती हूँ चाय। एंड व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा होगा, सुबह से काम 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 ही जिंदगी है, काम के बिना मेरा मन नहीं लगता और शर्मा जी का भी नहीं लगता। एंड वैसे भी जो इंसान कनाडा में आ गया तो अगर उसने काम करना नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। ऐसे नहीं यहाँ पर इतनी क्लीनिंग होती, हर चीज़ इतनी मेंटेन होती, काम करने होते हैं यहाँ पर आपको। अगर काम नहीं करने तो कभी भी आने का मत सोचिए। जो इंसान मेहनत करता है यहाँ पर आकर वो ज़रूर कामयाब होता है। एंड जो मेहनत से टलता है तो फिर वो कंप्लेन करता रह जाता है कि बाहर जाकर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसी लाइफ है, वैसी लाइफ है। तो जो भी ऐसे बोलते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए जी, बस मैं इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। नोट ये था कि मेहनत बहुत जरूरी है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।